ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनके करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही कौन कौन सी राशियां इस समय फिलहाल में भाग्यशाली चल रही हैं उनकी जानकारी भी दूंगा। 2 महीने के अंदर कौन कौन सी राशि वालों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, इस समय कई राशियां हैं जो बहुत ही अच्छी स्थिति से गुजर रही हैं। उनका योग बहुत ही अच्छा है और आने वाला समय इनके लिए बेहद ही अच्छा है। हमारी कुंडली में कई ग्रह ऐसे हैं जिनके दायित्व बहुत ज़्यादा हैं। हमारी पूरी गृहस्थ जीवन को वो कंट्रोल करते हैं। जैसे शुक्र, अगर शुक्र हमारे अच्छे हैं तो हमें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा। शुक्र अगर हमारे अच्छे हैं तो हमें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा। हमारी फैमिली अच्छी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति अच्छे तो हमें पुत्र धन प्राप्ति का जल्दी योग बनेगा और हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। शनि, मंगल, सूर्य सबका अपना अपना दायित्व है। इस समय फिलहाल में जो मेन 5 ग्रह हैं वही बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। इस समय लगभग 10 राशियां ऐसी हैं जिनका काफ़ी समय के बाद में इतना अच्छा योग बना है। किस्मत चमकेगी, पैसा भरपूर आएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। किस्मत चमकेगी, पैसा आएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, चाहे वो पुत्र की हो या धन की हो। आपको अग्नि नहीं जलानी, कोई भी कार्य साथ ही आपको कुछ उपाय करना है ना। आपके कुंडली में हमारे में कई बार ऐसे दोष बन जाते हैं जिनकी वजह से हमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना काटने लग जाते हैं। तो आपको कुछ नियम बना लेना है। सोना नहीं चाहिए, गौ माता की पूजा करना, भगवान के मंत्रों का जाप करना है। गौ माता की पूजा करनी है, आपका श्रवण कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत गौ माता की पूजा के साथ साथ में सोमवती भगवान शिव, भगवान विष्णु तथा पितरों की पूजा करना के पहले ये आपके लिए शुरुआत होगी। बहुत ही ग्रहण के दौरान अगर कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी होता है, जो जल्दी लाभ मिलेगा। साथ ही आपको बताइए, प्रतिदिन भगवान कृष्ण के सामने एक फल रख करके जरूर खाना है। केले का फल बहुत ही अच्छा होता है। 24 का पहला सूर्य 8 अप्रैल को लगेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार हम आपको चैत्र अमावस्या राशियों के बारे में जानकारी दूंगा जो इस समय की रात 9:00 के बाद बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली साल के पहले सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी, जो कि रात्रि 1:25 तक चलने वाला है। राशि दूसरी जो भाग्यशाली राशि है, ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण का समय बहुत अच्छा चल रहा है। 12 घंटे पहले सूर्यकांत हो जाता है। आपकी मिथुन राशि खत्म होने तक अच्छी चल रही है। साल का यह पहला सूर्य ग्रहण के बाद भारत में नहीं दिखाई देगा। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो ग्रहण है उसके बाद प्रभाव कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये राशियां जो फिलहाल में बहुत ही अच्छी चल रही हैं वो तो आपको रखनी रखनी है। लेकिन सोमवार को शिवलिंग पर चावल चढ़ा करके शिवलिंग के बीच में के साथ में जरूर खाएं, मतलब ज्यादा प्रभाव नहीं है इसका, मनोकामना पूरी होगी इसका। अमेरिका तो विस्तार से मैंने आपको जानकारी दी है, आप ये उपाय जरूर करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में पूजा नमः शिवाय जरूर लिखें। करनी चाहिए और ना ही भगवान को स्पर्श करना चाहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जब ग्रहण प्रारंभ हो रहा हो तो उस समय आपको जो उपाय आपको बता लगा देने वो करें, और पितरों के नाम से दान पुण्य नहीं करना है। नमः शिवाय।